आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आइ हम सब नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी के विषय में बातचीत करा जा रहल छी। ई पार्टी के अध्यक्ष रिजवान अंसारी, ओ पहले एमाले में छलैथ आ एमाले छोड़ कर संघीय समाजवादी पार्टी में गेलैथ आ तैके बाद फोरम नेपाल आर ओइके बाद फिर अखन अपने एकटा पार्टी गठन केने छथि। तो ओ किया हुनका किया एमाले छोड़ पड़ल आ अखुनका राजनीतिक अवस्था की छै, अखुनका राजनीतिक जे गतिरोध छै से केना कऽ अंत भ सकै छै, तऽ इहे विषय में बातचीत कर जा रहल छी। तऽ अंसारी जी कार्यक्रम में स्वागत करै छी। धन्यवाद। सबसे पहले अपने से ई बात कयल जाय कि अपने सब पार्टी खोलिए, नया पार्टी नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी जी, तो ई पार्टी अलगे खोल के की रहले कारण? मुख्य रूप से पार्टी खोले के कोनो हमरा सबके रहर वा मतलब एगो कोनो स्वार्थ के पूर्ति के लिए मात्र पार्टी नहीं खोल गेले है। वास्तव में अभी तक के नेपाल के राजनीतिक यात्रा के अगर हम सब मूल्यांकन करी छी, खास करके प्रजातंत्र के पुनर्स्थापना के बाद में राजा त्रिभुवन के मतलब उदय कहो, ओकरा बाद में अभी तक ले बीच में 30 साल के एगो पंचायती जो व्यवस्था रहे ओकरा छोड़ के अभी तक के समय नेपाल के यह जो बड़का राजनीतिक दल सब है, खास करके एमाले कांग्रेस माओवादी लगायत के दल सब नेपाल में शासन करके, और यही 70 साल के अवधि में लगभग आगे देश के अवस्था जे भेले वो हम अगर हम सब मूल्यांकन करी छी या सीमालोकन करी छी कि अवस्था में हम सब रहली या कहाँ पहुँचली हम सब, तो हमरा सबके बुझाइए कि हम सब नेपाली जनता के दूगो मुख्य जे चाहना रहले, एगो समानता स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के जग में खड़ा होल नेपाल के निर्माण करे के, एगो अग्रगामी नेपाल के निर्माण करे के, उहो सपना साकार नहीं हो सकले। दूसर में अहाँ के ई चाहना रहे कि देश में सुशासन होए, है ना, भ्रष्टाचार के अंत होए, रोजगारी के व्यवस्था होए, देश आर्थिक प्रगति करे, है ना। तो ये दोनों में से कोनो चाहना भी ये नेपाल के वर्तमान राजनीतिक दल सब राजनीतिक नेतृत्व सब पूरा नहीं कर सकले। अपटक पटक नेपाली जनता के धोखा देवे के स्थिति भेले, है ना, खास करके एमाले कांग्रेस और माओवादी भी धोखा दिलके। दूसर अवस्था की भेले कि मधेसी जनता के नाम में, उत्पीड़ित जनता के नाम में जो पार्टी सब खुल गए, वहू पार्टी सब के मधेश के जनता उत्पीड़ित जनता साथ नहीं दिले, ऐसे बात नहीं, साथ दिलके, लेकिन पटक पटक मधेसियों जनता के साथ में विश्वासघात धोखा होने वाला स्थिति भेले। तो अब एज अ नेपाल के नागरिक, एज अ मधेश के पुत्र, हम सब ई संपूर्ण अवस्था के मुख दर्शक बन के देखित रहू या एगो मतलब हमरो सब के कुछ दायित्व तो है, कुछ निर्वाह करू सोच के, है ना, हम सब मुख दर्शक बन के मात्र नेपाल के और मधेश के बर्बाद होई तो अवस्था के नहीं देख सकै छी, कुछ दायित्व छै ओकरा पूरा कयल जाए, और ये अकेले अकेले संभव नहीं छै, एकर लेल की कहै छी कि संगठित शक्ति के आवश्यकता छै। तो राजनीतिक दले जे है से सत्ता के संचालन करै छै और सत्ता के विकृति सब के अंत कर सकै छै, तो एहि लेल एगो राजनीतिक दल नया ढंग के, है ना, संपूर्ण नेपाली जनता के उत्पीड़ित जनता के राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में जी अपने के जे पार्टी है तो ये कौन आधार बनना चाहिए, मतलब और दल से केना का पृथक छे? जेना कि एगो हम सब सबसे बड़का चीज कथी लेके आ रहल छी कि हम सब पार्टी के भीतर में नेपाल के जो जातीय जनसंख्या के बनोट छे, है ना, वही बनोट के हम सब पार्टी के भीतर में भी दर्शबे, पार्टी के भीतर में व्यवहार में देखबे, समानुपातिक समावेशिता सहित के भाषण जी, अभी तक की समस्या देखा पड़ले कि जोन पार्टी सब समानुपातिक समावेशीकरण के मांग कर रहल छे वही पार्टी सब के भीतरे में समानुपातिक समावेशीकरण नहीं छे, और खास करके एमाले कांग्रेस के बात कहबे तो उ अहाँ के खस ब्राह्मणवादी पार्टी के रूप में दिखाई दे रहा है, मतलब ओकर संरचना दिखाई दे रहा है, संपूर्ण संरचना ओकर दस्तावेज घोषणा पत्र में की छी ओहि पे नहीं जाऊ, है ना, वो भाषण कथी कर रहा छी ओहि पे नहीं जाऊ, व्यवहार में कथी देख रहा छी कि हम सब जति बड़ा एमाले छोड़ ली वही समय एमाले के टॉप 10 में 10 गो स्थायी कमिटी में एको गो मधेसी नहीं रहे, एको गो मुस्लिम नहीं रहे, एको गो दलित नहीं रहे, मतलब जनजाति में भी एकटा अशोक राय मात्र रहे, ओकरो महत्वपूर्ण बैठक सब में बुलावे के स्थिति नहीं रहे, है ना, तो सिंगो रूप में एकल जातीय पार्टी के रूप में बाहर देखा पड़
पड़े है वही ढंग से कांग्रेस को अवस्था है, वही ढंग से माओवादी के स्थिति वह है, माओवादी केन्द्र की स्थिति वह रहें है ना। तो अब सब पार्टी हम सब पार्टी अगर से सही ढंग से नेपाल में चलती है तो नया पार्टी सबकी आवश्यकता नहीं रहें है ना। अहाँ देख रहा होबे कि मातृका यादव जी संपूर्ण जीवन जे है से जब तक आंदोलन होइ छै तब तक माओवादी में लगी छथु, जनयुद्ध करी छथु, लेकिन जब राज्य द्वारा कुछ मतलब जनता के देवे के समय अभी से अधिकार लेवे के समय अभी से उत्तर उनका बाहर निकले के पड़े रहें है ना। वही ढंग से अहाँ मतलब यहाँ देख लू सब की कहे कि चाहे विजय कच्छेदार जी हो, चाहे मतलब की कहे कि हमारे भंडारी जी हो, चाहे मतलब की कहे कि महेंद्र यादव जी हो है ना, ये सब संपूर्ण जीवन वहाँ लगबे छै, लेकिन जब अपना समुदाय की अपना हक हित के बात करे छै उत्तर राय के सबके वहाँ से निकले के सब कथी दिखा रहा है कि नेपाल के वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व जो है जो अपना आपके बड़का पार्टी कहे छै उ सब वास्तव में नेपाल के राजनेता के रूप में संपूर्ण नेपाली जनता के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित नहीं हो सकले, उ सब एकल जातीय चिंतन में डूब के रह गए। और जना आपने अहाँ के बात कल दे तो अहाँ करीब दू दशक 20 वर्ष तक अहाँ एमाले में रहलिए जी, तैके बाद अहाँ कहली कि नहीं परिवर्तनकारी शक्ति में जाए पड़े एमाले यथात स्थितिवादी रहल से अहाँ सबके निष्कर्ष रहल अहाँ ओमे से निकल गए, तैके बाद संघीय समाजवादी पार्टी में गलिए उ फिर फोरम नेपाल जोड़े मिलले, तो अहाँ सब तो परिवर्तन कारी शक्ति जकरा कहे तो वही पार्टी में अहाँ सब गलिए, लेकिन वही में से फिर अहाँ सब निकल गलिए, तो ये किया भेले मतलब एमाले में की नहीं छले ते दुआरे अहाँ सब वही में गलिए आ वही में से की नहीं भेटले फिर कि अहाँ सब फिर दोसर पार्टी खोल। दू गो बात रहले एमाले छोड़े के, एगो पार्टी में हमसब नौ बुद्धि मांग रखते रहले कि पार्टी के अविलंब पुनर्संरचना होय के चाहिए आ जातीय जनसंख्या के हिसाब से पार्टी के भीतर में प्रतिनिधित्व होय के चाहिए है ना। ये बात के सब लिखित रूप से कहल के हमसब नहीं मानबे, जब लिखित रूप से कहल तब पार्टी छोड़ के दूसर मुद्दा के बात रहे, मधेश के मुद्दा रहे, जनजाति के मुद्दा रहे, मुस्लिम समुदाय के मुद्दा रहे, दलित के मुद्दा रहे, यही सब मुद्दा के एमाले वहाँ गद्दारी कल के उ की कल के कि अपना आपके तो सर्वहारा वर्ग के शोषित वर्ग के श्रमजीवी वर्ग के पार्टी कहल के, लेकिन जब भीतर संविधान सभा के भीतर जब हम रहली वहाँ अपना आँख से हम देखली कि सब मतलब उत्पीड़ित जनता के विपक्ष में खड़ा हो रहा है, मार्क्सवाद के सब सेकुआ बना के खा गए आ सब जो है से मार्क्सवाद के नाम में जो है से एगो मतलब की कहे कि एकल जातीय ब्राह्मणवादी पार्टी के स्थापना करे चाहे आ नेपाल जो एकल जातीय राज्य है ओकरा कायम करे चाहे अग्रगमन नहीं चाहे छी कहके जब ठहर भेले हमर सबके तो हम सब एमाले छोड़ लिए आके संघीय समाजवादी पार्टी बनै लिए हम सब है ना। अशोक राय के नेतृत्व में हम ओकर उपाध्यक्ष रहली, पार्टी बनले, पार्टी ठीके ट्रैक में गाड़ी बढ़ते रहले, लेकिन बाद में उ पार्टी हम सब लक्ष्य के प्राप्ति के लेल एकता होइ छै, कोनो पार्टी से एकता करे के तो लक्ष्य प्राप्त करे में आसान होय, शक्ति के निर्माण हो जाए, लेकिन ये अपना लक्ष्य के छोड़ के उपेंद्र यादव जी के फोरम के साथ में एकता भेले, एकता से एक दिन पहले वहाँ पर हम नोट ऑफ डिसेंट दू मुद्दा में रखले छी है ना कि जे समानुपातिक समावेशीकरण मतलब अहाँ एकीकरण से हम नहीं चाहे छलिए, एकीकरण हम चाहे छलिए लेकिन उद्देश्य के छोड़ के नहीं, लक्ष्य के छोड़ के नहीं, मतलब ये की छोड़ गए, वो जो छोड़ गए लेकिन जना पार्टी के विधान में हम सब बाध्यात्मक व्यवस्था कैले रहली कि पार्टी के प्रत्येक कमिटी जे छै है ना आ प्रत्येक तह के कमिटी समानुपातिक समावेशीकरण होवक चाही क्योंकि विधान व्यवस्था रहे, धारा 27 में व्यवस्था रहे, तो जब एकता भेलै तो उस समानुपातिक समावेशीकरण के शब्द हटा देल गेल, विधान में से निकाल गेल है ना, फोरम नेपाल में, फोरम नेपाल में है ना। अभी अभी विधान में देखबै उ सब नै छै है ना, तो किए नहीं छे, नहीं छे, तो किए बमोजिम समानुपातिक समावेशीकरण होने छ कह के लिखले छै है ना, तो के तोकते तोकती केंद्रीय कमेटी बुझलिए कि ना ध्यान तोके है ना, 10% तोक सके 5% तोक दे, मतलब समानुपातिक समावेशीकरण के मूल मर्मे समाप्त कर दल के। ओते बड़ा आश्चर्य लगले हमरा कि जोन व्यक्ति जोन पार्टी राज्य में समानुपातिक समावेशीकरण के बात कर रहा है वो अपने पार्टी के समानुपातिक समावेशीकरण बनाबे नहीं चाहे है ना, विधान के धारा में से व्यवस्था हटा दल गए है ना, तो ये बात हमसे उठेली वहाँ पर ओकरा मान्य नहीं भेले। उपेंद्र यादव जी है उनका से हमरा कोनो खासे मतलब पर्सनल कोनो शत्रुता नहीं छे, लेकिन हुनकर चिंतन जोन छे वही चिंतन के कारण से वन मैन डिसीजन है ना, एकल जातीय चिंतन है ना, जेकरा वजह से कि नेपाली जनता मधेश के जनता जे छे मधेश के नेता खोज रहल छे, जात के नेता नहीं खोज रहल छे बुझलिए कि ना, लेकिन जे कमजोरी एमाले कांग्रेस माओवादी में दिखाई दल के सेहे कमजोरी अहाँ के मधेशवादी दल सब में अगर खुल के बात कल जाए, हम जनता के बीच में खुल के बात करना चाहिए, वो दिखाई दे रहा है। मधेश में कोनो नेता जे है से मधेश के नेता नहीं बने सकले, देश के नेता बातें छोड़, लेकिन आई पार्टी सब के तो परिवर्तनकारी शक्ति कही छे, परिवर्तनकारी शक्ति कही छे, लेकिन अपन संरचना जे है अहाँ कथी के लड़ाई लड़ रहा छे, देश में हमर सबके लड़ाई मुख्य रूप से की कहे कि राज्य के संपूर्ण निकाय में संपूर्ण जात जाति भाषा भाषी धर्म क्षेत्र के जनता के सहभागिता है
मुख्य लड़ाई बुझे कि पहचान है ना, अधिकार संपन्न प्रदेश स्वायत्त प्रदेश के बात है, सीमांकन के सवाल है। तो जब अहाँ राज्य से लड़ रहा समानुपाति के लगे तो अहाँ जहाँ सबसे पहले कर सके अपना पार्टी में तो वही में निकला कर रहा अपने कि एमाले हुए चाहे फोड़ो नेपाल हुए या और कोनो मधेश के नी दल जी सब एक ही किस्म के जैसे कह चाहे या कुछ फरक छे? कुछ फरक छे, जेना एमाले कांग्रेस माओवादी जे छे उ अहाँ के खास करके एमाले एमाले जे छे उ सिंगो राज्य में ही कोनो परिवर्तन नहीं चाह रहा नहीं चाह रहा छे, उ देश के यथास्थिति में राखे लागी चाह रहा छे, उ एकल जातीय राज्य के जो वर्चस्व छे नेपाल में है ना ओकरा कायम राखे लागी चाह रहा छे। तो ई सब एमाले कांग्रेस के अवस्था से छे, लेकिन मधेशवादी दल सब में की है इ परिवर्तन तो चाह रहा छे, मधेश के अधिकार तो चाह रहा छे, लेकिन पार्टी के भीतर में फिर ये समानुपातिक समावेशीकरण नहीं कर रहा छे है ना। तो इस संरचना के मामले में पार्टी भीतर में विभेद कायम है, कायम है, बाहर विभेद हटवा चाह रहा है ना, जहां अपने से कर सके वहां नहीं कर रहा है ना। और एगो फरक छे मधेशवादी दल में और हमार सबके पार्टी में है ना, हमार सबके पार्टी राष्ट्रीय पार्टी छे, लेकिन हम सब मधेश के मामला में दू गो बात के साथ में लेके चल रहा छे। मधेशवादी दल सब जे है से राज्य द्वारा संपूर्ण मधेशी के जो शोषण हो रहा छे ई बात मात्र उठा रहा छे है ना, लेकिन हमार सबके पार्टी दू गो बात के हमार सबके घोषणा पत्र छे, घोषणा पत्र में हम सब लिखले छी प्रश्न रूप में की लिखल है कि राज्य द्वारा संपूर्ण मधेशी के शोषण भ रहल छे ओकरो विरुद्ध में ई पार्टी खड़ा होते है ना, और मधेश के भीतर में जे आंतरिक शोषण हो रहा छे अभी भी मधेश के भीतर में सरहारा वर्ग के शोषण, उत्पीड़ित वर्ग के शोषण, जात पात के शोषण, धर्म के आधार में शोषण है ना जो हो रहा है, दलित सबके अवस्था, मुस्लिम सबके अवस्था, थारू सबके अवस्था, जो मधेश के मूलधार में जर आवे के चाहे जर संख्या के हिसाब से जो वर्चस्व कायम हो के चाहे है ना, तो मूलधार के लोग के बाईपास करके जो ढंग से मधेश के वर्तमान संकीर्ण राजनीतिक नेतृत्व आगे बढ़ रहा है वैसे मधेश के मुक्ति संभव नहीं है। जब तक संपूर्ण मधेशी की एकता के हम सब मजबूत नहीं करबे है ना, तो ओकरा लेल भी पार्टी जे है मधेश के भीतर में जे आंतरिक शोषण उत्पीड़न छे ये दुनू उत्पीड़न के विरुद्ध में छे, राज्य द्वारा संपूर्ण मधेश के उत्पीड़न के विरुद्ध में छे, आ मधेश के भीतर में भी जो उत्पीड़न हो रहा छे ओकरो विरुद्ध में छे। हम हमर पार्टी ये बात कभी मानने तैयार नहीं छे कि माधव नेपाल के ककरो शोषण करते तो शोषण भेले आ उहे शोषण रिजवान अंसारी करते तो शोषण नहीं भेले, पहाड़ी शोषण करते शोषण है तो मधेशियो शोषण करते तो शोषण है। हम सब शोषण के विरुद्ध में छी, कोनो जात संप्रदाय क्षेत्र के विरुद्ध में नहीं छी, हम सब उत्पीड़न के विरुद्ध में छी। उत्पीड़न करे वाला मतलब सुभाष निमांग जनजाति छी है ना, है ना, लेकिन कोनो ब्राह्मणे खस ब्राह्मण छे लेकिन वो मधेशी जनता के पक्ष में खड़ा भेल छे, खगेंद्र संग्रेला छे, दमन्ना ढुंगाना छे है ना, तो वो जनजाति से तो बढ़िया छे ना, वो यहाँ सवाल जाति जनजाति के नहीं छे, सवाल सोच के छे, सवाल जे है उत्पीड़न के छे, शोषण के छे, जो शोषण कर रहा छे चाहे शोषण करे वाला जे होए है ना ओकरा विरुद्ध में हम सब संघर्ष करबे जी। तो अहाँ सबके पार्टी जे छे तो जना कि समानुपातिक समावेशी के बात के लिए तो अहाँ के पार्टी पूर्ण समानुपातिक समावेशी छे जी? हम वो सब वो पूर्ण समानुपातिक समावेशन महाधिवेशन से हम सब लागू करके ले जबे अभी सब अभी हमरा सबके भी अभी भी हम प्रयास कैले छी, जेना हमरा सबके कुछ आरोप लगल के लोग है ना कि रिजवान जी मुस्लिम पार्टी खोल रहल छै है ना, जोन रिजवान अंसारी के संपूर्ण जीवन जातिवाद के विरुद्ध में खड़ा भेल छै है ना, उ जातीय पार्टी खोलते जना एखनो मधेश के नि दल सब जते बेसी सबके जातिवादी दल सब कर रहल छै जी, औ संरचना भी ओहि ढंग से देखाई दे रहल छै। तो उ रिजवान अंसारी के सपना रहती तब तो एमाले छोड़े कोनो कारण नै छै बुझे कि ना, आ ओइसन संकीर्णता सोच रहती तो नया पार्टी बनाबे के आवश्यकते नै छै है ना। जातिवाद के हम सब विरुद्ध में खड़ा भेल छी लेकिन जातीय मुक्ति के पक्ष में छी, जातिवाद और जातीय मुक्ति फरक फरक चीज छै बुझे कि ना, जातीय मुक्ति के लिए लड़े हम तैयार छी लेकिन दोनों अतिवाद के विरुद्ध करे छी हम सब। एगो अतिवाद जे है से जातीय मुक्ति के नाम में विखंडन के बात करनाई भी गलत छे, जातीय मुक्ति के बात उठबते ई चाहे सांप्रदायिक हो गेले जातिवादी हो गेले जे बात उठी छे सेहो गलत छे है ना। जातीय मुक्ति के लिए हम सब लड़बे, हम सब चाहे छी कि संपूर्ण मानव जाति समान छै तो सब शोषण रहित समाज के सृजना करे चाहे छी हम सब है ना, शोषण के संपूर्ण आधार सब के भटका दे तोड़ देवे चाहे छी हम सब है ना, ताकि मानव जे है से स्वतंत्र रूप से वो अपन जीवन जी सके, अपन अभिव्यक्ति दे सके, अपन चीज के निर्णय अपने कर सके है ना, वही समाज के निर्माण करे के पक्ष में हम सबके पार्टी से हम सब आगा बढ़ चाहे छी। तो यही लेल हम सब समानुपातिक समावेशीकरण पर जोर दे रहल छी आज के दिन में। हम सब पार्टी के भीतर में अभी यहाँ देखले होबे कि अध्यक्ष में हम छी, उपाध्यक्ष में राजकुमार यादव छ, महासचिव में नोरसांग शेर्पा छ है ना, वरिष्ठ नेता में वीरबहादुर लामा छ है ना, हम सब दलित
साथी के खोज रहल छी, एगो पार्टी के पिलर के रूप में लाबे लागी, थारू के खोज रहल छी, मधेश के भीतर के जो और विविधता छै ओहि सब के पार्टी में समावेश करके हम सब सब गोटे मिलके गाड़ी चलू और देश के बनाऊ, मधेश के बनाऊ। जब तक मधेश भावनात्मक रूप से एक नहीं होते, जब तक मधेश के भीतर के उत्पीड़न के बात नहीं उठाएल जाते, तब तक ले मधेश के मुक्ति संभव नहीं छै। आ मधेश के भीतर में जो मूल क्लस्टर सब छै, मूल मतलब संख्या सब छै, ओकरा अहाँ बाईपास करके उत्पीड़न में छोड़ के अगाड़ी बढ़ल चाहबे तो मधेश के मुक्ति संभव छै नहीं छै, और एउटा अग्रगामी देश भी बनाबे के संभव नहीं छै। जी, संगठन विस्तार के काम से केन भरल छै अपने पार्टी? संगठन विस्तार के काम एगो अभियान के रूप में अब हम सब भरकर पौष दुई गते पार्टी के घोषणा कैली, और घोषणा में भी बहुत अच्छा ढंग से हम रिस्पॉन्स आम जन समुदाय के पैली, हम सारा लोग मतलब देखै छी हमरा सबके कल्पना से तनका बेसी वहाँ पर उपस्थिति भेलै, और अभी भी हम सब एगो अभियान के रूप में फर्स्ट चरण में जे है से अभी ये तदर समिति सब 75 जिला में जे है से तदर समिति निर्माण करे के तराई के मतलब जिला सब में हम खुद अभी आ गेल छी, 8 दिन से हम तराइए में छी अभी, है ना, काम कर रहल छी। तो ए लेल अब जे है से पहला चरण में जे है से मतलब एकरा एकटा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करय चाहि रहल छी हम सब। जी, मधेश के बेस बना के मतलब यहाँ से मतलब आगाड़ी बढ़ा के, और सिंगो नेपाली उत्पीड़ित जनता के हमर सिद्धांत हमर विचार शुरू से कथी रहल है अजय जी, कि जब तक ले नेपाल में अहाँ अगर हमर रिकॉर्ड निकालबे पार्लियामेंट में, हम जब अंतरिम व्यवस्थापिका में जब पहला बार बोलली पार्लियामेंट में, उत्ती बार हम बोलने छी कि जब तक ले नेपाल के संपूर्ण उत्पीड़ित जनता है ना, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेशी, थारू, संपूर्ण उत्पीड़ित जनता एकजुट होकर हम सब नहीं लड़बे, है ना, तब तक ले हम सब नेपाल से एक खस ब्राह्मणवादी सत्ता, एकात्मक सत्ता, सामंती सत्ता के अंत नहीं कर सके, है ना। तो ए लेल हमरा सबके संपूर्ण उत्पीड़ित समुदाय के मिले के पड़ते, संगठित होके पड़ते, असंगठित होकर लड़े के पड़ते, उस सोच हमारे शुरू से है, आज भी उस सोच पर हम कायम छी कि संपूर्ण नेपाल के उत्पीड़ित जनता के मिला के तब मात्र नया नेपाल के निर्माण संभव छै। जी, बातचीत के क्रम जारी रहते, तो दर्शक वृंद अखन छोटका ब्रेक ल रहल छी, ब्रेक के बाद फिर बातचीत के क्रम जारी रखब। तो ब्रेक के बाद कार्यक्रम में स्वागत करै छी, आइ हमरा सब संग छै रिजवान अंसारी, ओ छै नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। आइ हम सब बात कर रहल छी पार्टी की कर रहल छै, पार्टी कोन ढंग से अगाड़ी बढ़ रहल छै, आर अखनका राजनीतिक अवस्था के संदर्भ में सेहो। तो अंसारी जी, आब कनी विषय परिवर्तन कयल जाय, अखनका राजनीतिक अवस्था जेनाकि यहाँ सत्ता में छियै नहीं तो विपक्ष में छियै, एकटा स्वतंत्र रूप से अपन पार्टी संगठन के विस्तार में लागल छियै, तो अखनका राजनीतिक अवस्था के अहाँ कोन ढंग से मूल्यांकन करै छियै? जेनाकि पिछला समय में संविधान संशोधन से पहले स्थानीय चुनाव के जे घोषणा भेलै यऽ, तो एकरा कोन रूप में लड़ल छियै? देखो, ई की छै कि एकटा निरंतरता छै, पहिलो संविधान सभा के विघटन असंवैधानिक अलोकतांत्रिक स्वेच्छाचारी उ यात्रा खिलराज रेग्मी के सरकार 16 बुद्धे सहमति अवैधानिक सर्वोच्च अदालत रोक लगैले है कि सहमति गलत छै कहके, है ना, तो ई यात्रा ही पूरा असंवैधानिक अलोकतांत्रिक और नेपाली जनता और शहीद सबके जे सपना रहे कि एगो सामाजिक न्याय के जग में, समानता के जग में, स्वतंत्रता के जग में एगो नया नेपाल के निर्माण करे के, संपूर्ण नेपाली जनता के निर्माण नेपाल बनाबे के जो मतलब चाहना रहे, जेकर लेल पटक पटक आंदोलन भी भेले, बार बार आंदोलन भेले, है ना, ओकरा रोके लागी कैल गेल षड्यंत्र छै, है ना, ई श्रृंखला छै, वहाँ से श्रृंखला आ रहल छै, हम सब ओहि रूप में देख रहल छी। यही षड्यंत्र में हमर मधेशी मोर्चा भी अंत में ए जाले फसले, है ना, एमाले कांग्रेस आ माओवादी के जन मतलब वो प्रलोभन दिलके ओकरा ओहि प्रलोभन में फसले, है ना, कैला कर रहल छी हम मतलब तीन बुद्धे सहमति कही के नहीं चाहे के नहीं चाहे रहले, हमरा सबके पास में दू गो रास्ता रहे, हम सब अच्छा तरह से जान रहल छी, जब हम जान रहल छी तो ई बात उपेंद्र जी के नहीं मालूम रहे, राजेंद्र जी के नहीं मालूम रहे, है ना, कि एगो 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 रास्ता रहे आंदोलन द्वारा जनता के विद्रोह करा के अधिकार के प्राप्ति करे के, और वही माध्यम से मात्र हम सब लक्ष्य पहुंच सके छी। आंदोलन तो भेले ने 600 महीना जी, जी वही बात कह रहल छी, वही आंदोलन के निरंतर रखे के चाहिए, वही रास्ता रहे जो हम लक्ष्य पहुंच दिए, है ना, ई सब जो रास्ता चुन ले उ रास्ता सत्ता समर्थन, हां ई कहना चाहे छी कि आंदोलने एकटा विकल्प के रूप में ओकर विकल्प कोनो नै छै, आंदोलने से सब चीज हासिल होइत से कहै छै। बिल्कुल बिल्कुल, ई सब जो रास्ता अपनलके खास करके मधेशी मोर्चा जो प्रलोभन में फसले कहो हमरा ओकरा प्रलोभन में फसले, सत्ता समर्पण कलके, मुद्दा विसर्जन कलके, ई 60 आदमी शहीद भेले नेपाली वीर सपूत सब, मधेश के वीर सपूत सब, ई संविधान के जलाबे के लेल
यही संविधान अगर वो आंदोलन जारी रहते तो 60 आदमी जे शहादत दिले तो ये 200 आदमी पहुंच सके छले ने हम सब मधेसी जनता आई तो देखल गेले जी जी आई भी आंदोलन तो बेरल हले लेकिन की भेलो जी तो इहे कहै छी हम कि ड्राइवर सही नै भेलै गाड़ी तो ठीक है आंदोलन हो के चाहिए लेकिन वो ड्राइवर सही नहीं सही नहीं भेले ड्राइवर योग्य नहीं भेले सक्षम नहीं भेले दूरदर्शी नहीं भेले निस्वार्थी नहीं भेले जेकरा कारण से पटक पटक मधेसी जनता के दुर्घटनाएं पड़े पड़े है ना बलिदान बेसी उपलब्धि न्यून ये कथी के से लक्षण छे बलिदान बेसी उपलब्धि न्यून कह के लक्षण कथी छे असक्षमता नेतृत्व के असक्षमता नेतृत्व सक्षम होइ छे तो बलिदान कम और उपलब्धि बढ़ी होइ छे है ना 18 आदमी शहीद होके देश में गणतंत्र आ गेल 23 आदमी शहीद होके है ना तो वो नेतृत्व के जो लीडरशिप के वो मतलब गुण होके चाहिए वो क्वालिटी के यहाँ पर नहीं देखल गेलै आ जो बाटो लेलके 60 शहीद के अपमान के बाटो रहे जब अपने गुण के बात कहिए देले तो की कमी कमजोरी रहले कमी कमजी कमजोरी तो शुरू से ही नेपाल मधेसी जनता के चाहना रहे कि महागठबंधन के निर्माण होवे के चाहिए है ना वैसे नहीं भई सकले ई जातीय मतलब की कहे कहू या जे संकीर्णता कहू है ना ई चार दल के राजनीतिक संकरता संकीर्णता नेपाली में शब्द प्रयोग करे छी कुखरे छाती बुझल कि ना मुर्गा वाला छाती जी सातटा दल के ओकर अहे कुखरे छाती एक फराकिलो हृदय होके चाहिए सब के समेटे वाला हृदय ई अहे टाट के लगा रहल छी बांध के बांध रहल छी कि दूसरा आदमी नेते न बने पावे दूसरा आदमी समावेश नहीं हो पावे ये ठिकदारी छै तालिबान शैली छै कि संपूर्ण मधेश में सात आदमी के ठिका छै है ना संपूर्ण मधेसी जनता शुरू से मांग कर रही कि महागठबंधन के निर्माण होके चाहिए ओय में संपूर्ण राजनीतिक दल सभी पक्ष जातीय समुदाय सभी आंदोलनरत पक्ष के समेट के एगो महागठबंधन होती है ती 60 आदमी के बलिदान भी नहीं होती तो कोई एक गोटे लेती एक गोटे लेती है ना है ना तो इसमें ये 60 आदमी के बलिदान भी नहीं होती इतना बड़ा क्षति नहीं होती और उपलब्धि हो गई होती है ना लेकिन ये सब नहीं कर दिल के जान बूझ के नहीं कर दिल के उन्हीं अजय प्रकाश गुप्ता जी अपन बेचारा अलगे घूम रहा है मातृका जी अलगे घूम रहा है ना हम सब अलगे घूम रहा छी उ दलित मोर्चा अलगे घूम रहा है थारू सब के मोर्चा अलगे घूम रहा है मुस्लिम संघर्ष गठबंधन अलगे घूम रहा है ये सब के समेट के महागठबंधन बना के आंदोलन के शुरुआत कर दिए व्यक्ति के अभाव रहा कि समेट के चाहना नहीं भीतर से कि नहीं चाहना नहीं भेले समेटे नहीं चाहले कि वो व्यक्ति नहीं नेतृत्व करते हैं व्यक्ति नहीं मतलब संकीर्ण है संकीर्णता है दम्भ है अहंकार है बुझलिए कि ना जो गुण मतलब एगो नेता में नहीं हो के चाहिए है ना वो गुण सब देखा पड़ल है यहाँ और वही लेल तो अब की है अब के रास्ता की है हम बताबे लगे चाहे अपने के देखो अभी मधेसी जनता के साथ में दोनों तरफ से विश्वासघात भेल छै है ना हम मधेसी मोर्चा के विरोध नहीं करे लगे चाहे लेकिन जो क्रियाकलाप भेले से भेले लेकिन एक बात हम जोड़ दी कि मधेसी मोर्चा के बात कल जाए तो मधेसी मोर्चा ये कह रहा है कि हम सब आंदोलन के लिए लेकिन राज्य तानाशाह भेले माथा छाती में गोली मात्र प्रहार कल के नहीं कुछ कर सकल के मतलब मानव हीन काज कल के से कह के ओकरा सके मतलब मधेसी मोर्चा के कथन ई छै कि राज्य तानाशाह भ गेलै जे जी फॉरम में जित हम सब मांग रख लिए छ बुद्धि मांग रख लिए ओहिमे एगो मांग इहो रहले कि ई पटक पटक जे मतलब निर्वाचन के प्रक्रिया में प्रधानमंत्री के निर्वाचन के प्रक्रिया में बीचे में जाके ई सब जे सहभागी भेले उ अनैतिक रहले उ गैर राजनीतिक चरित्र रहले मधेसी जनता आंदोलन में छै वही संविधान के मान के यहाँ प्रक्रिया में सहभागी भेल छै नैतिक आधार आंदोलन के कमजोर कर दलकै बुझल कि ना मधेश के जनता के निराश बदल के आई के डेट में भी जो सब कैले है वो वास्तव में अभी गलती कोटियाबे के समय नहीं है लेकिन बात चल रहा है हम कोटिया रहा है कि अभी भी जो सब कल के वो जाके वही रास्ता में गेले जो रास्ता कभी भी मतलब अधिकार तक ले नहीं पहुँचे से उ सत्ता तक ले पहुँचे से उ सत्ता के बाटों में सब चल दल के आई निराश भेले हमर सबके जो ठहर रहा है सब धोखा खाते उ सब धोखा खेबे कल के मधेसी जनता भी धोखा खा गए है ना वही बात सही भेले प्रचंड जी दिखा दलके प्रचंड जी तो देखा दल कि चुनाव के घोषणा करके निर्वाचन के घोषणा करके बिना सहमति कहाँ गए तीन बुधे और तीन बुधे में छे कथी आई चार बुधे संशोधन आयल छे वही से संपूर्ण मधेसी जनता के मांग पूरा नहीं होगा छे तो एकरा लेल आंदोलन के अलावा मुक्ति के बाटो दोसर नहीं छे रास्ता दोसर नहीं छे आंदोलन में जाके तो फिर तैयारी कर लेने छे तो की फायदा कला गेली तो फिर अहाँ अहाँ सत्ता में कथ लगे अहाँ अहाँ से अगर प्रश्न कल जाए अहाँ कैसन दूरदर्शी नेता सब छी मतलब उखान छे हर एक बेर आंदोलन करी फिर सहमति करी फिर कागज में लिखी फिर वार्ता करी फिर आंदोलन करी तो किया भ रहा है हाँ वही बात छे मतलब अयोग्य असक्षम बेईमान संकीर्ण नहीं तो सक्षम नेता अगर असक्षम है तो सक्षम नेता आनते के जनता ने अंत जी अब ओकर विकल्प के खोजी होते एगो विज्ञान में एगो नियम छे कि आवश्यकता जे छे वो आविष्कार के जननी छे है ना
आवश्यकता छै अभी देश के मदेश के कि एगो संपूर्ण किस्म के संकीर्णता से ऊपर उठल, जातीय संकीर्णता, धार्मिक संकीर्णता, क्षेत्रीय संकीर्णता, गुटगत संकीर्णता, पार्टीगत संकीर्णता, ये सब संकीर्णता से ऊपर उठ के समग्र नेपाली जनता के बारे में सोचे वाला, समग्र मधेश के बारे में सोचे वाला, उत्पीड़ित जनता के सोचे वाला नेतृत्व के आवश्यकता ये देश के छे। हमारा विश्वास छे कि आवश्यकता आविष्कार के जननी छे, अब उसे नेतृत्व नेपाली जनता पैदा करते, नेपाली जनता अगड़ी लौते उसे नेतृत्व के। जी तो अब अहाँ के लगे संविधान संशोधन हेतु कि नहीं हेतु, जन कि पिछला समय में एमआलए से किस लचक भेल छे, अब आंदोलन के एम्हर कार्यक्रम से सार्वजनिक होबय जा रहा है, तो अहाँ के केना लगे कि इहो अखन जे भ रहल से नाटके भ रहल छे? नहीं, हमरा तो एमे आशंका छे। हम मधेशी जनता के निराश नहीं करे चाहे छी, लेकिन हम अपना माध्यम से कहे लगे चाहे छी कि अपने सब अब विकल्प के लिए तैयार हो। अब मधेश के जनता जे है एगो ईमानदार, सक्षम है ना, त्याग तपस्या और बलिदान के राजनीति के मूल मान्यता माने वाला लीडरशिप के वैसन कार्यकर्ता के आवश्यकता छे देश के मधेश के, ओकर लब तैयार होय के लागी। ई लीडरशिप से बेसी उम्मीद अपने सब करबे तो हम सब धोखा खबे। अब ई नया पुस्ता, नया पार्टी, नया मोर्चा, तब मात्र नया मधेश और नया देश के निर्माण संभव छे। अब एकरा सबसे बेसी उम्मीद हम सब नहीं कर सके छी। हमरा आशंका छे कि प्रचंड जी और मधेशी मोर्चा के आंतरिक सहमति से ही संशोधन आयल छे, ओकरा सबके आंतरिक सहमति से ही निर्वाचन के मिति घोषणा भेल छे, है ना। तो एहि लेल ई चुनाव तक ले नौटंकी करके जनता के आंदोलन में उतार के आ एकर बेनिफिट चुनाव में लेवे के सोच भी हो सके छे, है ना। लेकिन हम अपने के टेलीविजन कार्यक्रम से सचेत कर लगे चाहे छी कि मधेशी जनता अब कोनो जाल झेल में नहीं फंसे वाला छे, आ नेपाल के उत्पीड़ित जनता, मधेश के जनता अब ई सब मिल के एगो नया विकल्प के खोजी करके अगाड़ी बढ़े के स्थिति छे। अब युवा सब मतलब ई उत्पीड़न दमन में पड़ल जनता अब रुके वाला नहीं छे जब तक ले अधिकार प्राप्ति नहीं होते। स्वायत्त मधेश प्रदेश है ना, अधिकार सम्पन्न प्रदेश सब, विशेषाधिकार के व्यवस्था, ओकरा बाद में की कहै छी कि भाषिक मतलब असमानता है ना, जनसंख्या के आधार में निर्वाचन क्षेत्र सबके निर्धारण है ना, ये सब जो विषय छे बहुत विषय के है ना, सेना लगायत के जगह में जे है से सामूहिक मधेशी समुदाय के जिकर जिकर वहां पर पहुंचने छे ओकर प्रवेश है ना, ये सब मुद्दा के छोड़ के जो मधेशी मोर्चा गाड़ी बढ़ला चाह रहा है मुद्दा जे छोड़ल गेले कि जी जना पहले एक प्रदेश के बात छै मधेश में एक प्रदेश के बाद दू प्रदेश के बात एले जना सेना के बात छै तो ओहो बात अखन नहिए जगह उठै छै तो ये सब मुद्दा जना छोड़ल गेले ते इहो कारण से मतलब आंदोलन सफल नहीं भरल छे। मुद्दा मतलब छोड़ल गेले न त अभी मधेश पांच टुकड़ा में बाटल गेल छे, अहाँ कथी में सही करला चाह रहल छी? कोन चीज में अहाँ जे तीन बुदे सहमति कैलिए है, चार बुदे संशोधन प्रस्ताव ले लिए है, ओहो में तो कहाँ छे मधेश, कितना प्रदेश सब तो कहे छे किछो तो भरल छे, ओके बाद फिर चुनाव में जेते बात कि नहीं, अब फिर तक बाद फिर मतलब जनता के मतलब फिर तो ऐसे तो बहुत बढ़िया आके भेल रहे पहले संविधान सभा में, कथले नहीं मान लिया सब, कथले लोग शहीद करवा दिली 60 आदमी के, ऐसे तो बहुत बढ़िया स्थिति रहे, दू प्रदेश में परस्पर से धारणा आयल रहे मधेश के बारे में, क्या ना मान लिया सब? हमारे सवाल है उनका सबसे, तो ये सब मतलब एगो समय अनुकूल के व्याख्या करना ही बंद करूँ। मधेशी जनता अब सचेत नागरिक रूप में अगर बढ़ रहा है, अहाँ सबके दो धारे चरित्र के बंद करो, यानी मधेशी जनता आंदोलन करते, मधेशी जनता के आंदोलन नहीं रुके वाला है ना, अहाँ नहीं करबे दोसर शक्ति अति करते आंदोलन के, लेकिन अब मधेश के जनता, नेपाल के उत्पीड़ित जनता अपने अधिकार न लेबे तक ले आंदोलन के जारी रखते, और नेपाल के एगो जे है से बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक और संपूर्ण नेपाली जनता के नेपाल बना के निर्माण में सपना आंदोलन करे पड़े आ सब समस्या समाधान हुए, वो संभव छे या संभव छे तो केना भ सके छे? आंदोलन अगर नहीं करे के पड़ते आ सब समस्या समाधान भ जते ऐसन संभावना हमरा नजर में नहीं छे। आंदोलन के अलावा कोनो विकल्प नहीं छे उत्पीड़ित जनता के मुक्ति के, जोन आदमी शुरू से एकल जातीय राज्य के संचालन कर रहल छे, देश के संपूर्ण साधन स्रोत में अपन वर्चस्व जमैले छे, उ समुदाय, उ वर्ग, उ मतलब चीज अहाँ के छोड़ देते कि अहाँ आऊ असमान रूप से खाऊ कह के कभी नहीं करे वाला छे। आंदोलन कैला पर तो नहीं दे रहल छे, तब आंदोलन बिना कैला तो और कुछ नहीं मिले वाला छे, तो एहि लेल अब जे है से आंदोलन फिर एगो शब्द के हम प्रयोग नहीं करब, निर्णायक आंदोलन के प्रयोग नहीं करब, कतला नहीं करब, ई आंदोलन दीर्घकालीन छे, लंबा आंदोलन छे, लेकिन आंदोलन ईमानदारी पूर्वक करू, हमसे बात करना चाह रहा छी, आंदोलन के साथ में गद्दारी नहीं करू, बेईमानी नहीं करू। अहाँ तो अहाँ के सरकार मधेशी मोर्चा के सरकार छी, प्रचंड के सरकार, उ सरकार की कहै छी कि दीपावली बाले के निर्णय कलके, जलाबे के निर्णय कलके संविधान दिवस के दिन, कौन संविधान? जोन संविधान के जलाबे लागी 60 आदमी शहीद भेल छे, ओहि संविधान के दिन दीपावली करे के निर्णय कलके,
अहाँ के लाज नहीं लगले अहाँ के नैतिकता राजनीतिक नैतिकता नहीं है अहाँ के समर्थन फिरता लेवे के चाहिए कि नहीं लेवे के चाहिए उधर सरकार से है ना फिरता नहीं लेके नौटंकी करे जनता के बीच में अहाँ के सरकार निर्णय करे मलबत्ती बाले के अहाँ निर्णय करे कालो दिवस मनाबे के ये दोहरो चरित्र मधेसी जनता के बीच में अपने सब देखनाई बंद करू मधेसी जनता ये नाटक के बुझ गेल छै ए लेल अब नाटकबाज के मधेस के राजनीति में मधेस के राजनीति के मूल प्रवाह में अब ज्यादा दिन नाटक नहीं चले वाला छै अब देश और मधेस को रास्ता लेते जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने सब बातचीत भेल एकर बहुत अपने के बहुत बहुत धन्यवाद अपना अपन टीवी के संपूर्ण टीम के धन्यवाद दर्शक सब के हार्दिक नमस्कार करे चाहे छी और संपूर्ण उत्प्रेरित जनता के आह्वान करे छी कि अब जे है से संगठित आंदोलन के लिए अपने सब तैयार हो और यही आंदोलन में नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी अपने सब के साथ में रहे लगे तैयार छै ई स्थानीय निर्वाचन के स्थानीय तह के निर्वाचन के जे घोषणा भेल छै ई संपूर्ण रूप से संघीयता विरोधी संघीयता के बने से पहले समाप्त करे के षड्यंत्र और एगो संविधान जो जारी भेल छै जो मतलब उत्पीड़ित जनता के अधिकार के सुनिश्चित नहीं कैले छै ओहि संविधान के कार्यान्वयन करे के मतलब षड्यंत्र छै एहि संविधान के एकदम कस के विरोध करके एकरा विरुद्ध में संपूर्ण उत्पीड़ित जनता के खड़ा होके अपने आह्वान करे छै जी दर्शकवृन्द ओ छलथि रिजवान अंसारी नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आइ हम सब ई पार्टी जे नया पार्टी खुल रहे ई पार्टी अखन की कर रहल छै आ नेपाल के अखन का राजनीतिक अवस्था केहन छै आ और एकर निकास की भ सके छै एहि संदर्भ में हम सब बातचीत करे छलिए बेस्ट नमस्कार।